So, yo, what's up, gamers? तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आप सभी का तो पता ही होगा कि गेम में एक इवेंट आया जिसमें मतलब कि BTS का साथ साथ बंडल आया है, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग गेम खेल रहे हैं तो गेम में हम सभी को एक टोकन मिल रहा है, नियॉन स्टिक टोकन, ठीक है। एंड इस टोकन से गाइस हम लोग एक BTS क्रिस्टल टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड ये टोकन से गाइस जो मतलब मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, आप लोग देखो, सबसे पहले तो मैंने एक्सचेंज कर लिया। एंड इस वाले टोकन से या फिर आप लोग वाउचर जो भी बोलो, इससे हम लोग कोई भी एक BTS का बंडल ले सकते हो, उस वाले इवेंट में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सीन क्या हुआ गाइस, कल मैं बैज 99 का एक वीडियो देख रहा था एंड उसमें देखा कि बैज 99 एक्सचेंज करते हैं अपना मतलब कि वो टोकन। एंड वो सोचते हैं कि यार ये मेरे को जो पिंक वाला बंडल आप लोग देख रहे हो, ये हर्ट वाला, ये मेरे को नहीं चाहिए। और बैज 99 भाई बार बार बोलते हैं कि यार ये बंडल मेरे को मत मिल जाए। सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लो। मैं सोच रहा हूँ कि इन सब में से अभी वैसे ये वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, पर ये भी बहुत मस्त लग रहा है। इन दो में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। और ये क्या चीज है भाई? भाई तुझको ऐसा क्यों बनाया यार? अच्छा ठीक है, अभी गाइस पहले देखते हैं इनमें से कोई बंडल मिलता है या नहीं मिलता है। स्पिन करते हैं, बस वो ना मिल जाए भाई, जिसकी हम लोग जिस पे मुझे हंसी आ रही थी ना, बस हमको वो ना मिल जाए यार। वो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वही मिलने वाला है, देखते हैं क्या। अरे भाई यार यार ये क्या मजाक है, जो मुझे नहीं चाहिए था वही बंडल मुझको ये लोग दे रहे हैं यार। भाई नहीं, मुझे लग ही रहा था पक्का मुझे ये मिलने वाला है। ऐसा नहीं चलेगा। यार क्या चीज है ये, क्या भला है, अब यार आ ही गया तो रख लेते हैं इसको। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, बैज 99 भाई बार बार बोलते हैं कि यार ये मेरे को बंडल नहीं चाहिए, मेरे को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बैज 99 भाई का लक बहुत ही घटिया था एंड उनको वही बंडल मिल जाता है। एंड लिटरली गाइस मैं सोचा कि चलो अब मैं भी ये गेम में सबसे पहले टोकन कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद BTS क्रिस्टल टोकन लूंगा एंड उससे मैं कोई भी एक BTS का बंडल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं सबसे पहले तो टोकन ले लिया हूँ एंड सोचता हूँ कि चलो अब इवेंट में जाता हूँ एंड एक्सचेंज करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो, इवेंट में मैं चला गया था, फिर वहां से बैक कर दिया क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर तगड़ा था एंड मेरे हाथ में गन वन था। तो मैं सोचा कि चलो एक जादू यूज करते हैं, सबसे पहले तो एडम की गर्लफ्रेंड यू कैरेक्टर को इक्विप कर लिया मैंने यहाँ पे एंड इसको बिल्कुल गरीब टाइप का देख, मतलब कि ये पहले से ही गरीब दिखती है। एंड इसके हाथ से मैं बोला कि चलो सबसे पहले इसके हाथ से गन हटा देता हूँ। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस भाई ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई लाइक कर दो यार, लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाते हो। तो भाई मेरे ऐसा काम नहीं करते, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो एंड हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इस वाले इवेंट में मेरे को बस एक ही बंडल नहीं चाहिए जो कि पिंक वाला है, जिसमें हर्ट आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, सबसे साइड में है, सबसे लास्ट में है। तो ये बंडल छोड़ के मेरे को कोई भी बंडल मिले तो चलेगा, ठीक है। और गाइस मैंने एक चीज बताया था कि बैज 99 को यही बंडल मिला था और वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई मेरे को बंडल नहीं चाहिए। तो चलो मैं अपना लक देखता हूँ कि मेरे को क्या मिलता है। मैंने स्पिन कर दिया एंड यहाँ पे देखो गाइस, ये बार बार मतलब कि देखो कहाँ पे रुकता है ये, और मेरे को बस वो बंडल छोड़ के कोई भी बंडल मिले तो चल जाएगा, लेकिन वो बंडल नहीं चाहिए यार। ये गरीना स्कैमर है भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि गरीना स्कैम करती है। एंड आप लोगों को एक बार कमेंट करके बताना कि आप सभी को कौन सा बंडल निकला था इसमें से, ठीक है। मेरे को तो जो बंडल नहीं चाहिए था वही निकल गया एंड बैज 99 का भी यही सीन था, वो भी सोचते थे कि भाई ये मेरे को बंडल नहीं चाहिए और मैं भी यही सोचता था कि यार ये बहुत टट्टी बंडल है, मेरे को ये बंडल छोड़ के कोई भी गरीना दे तो चलेगा। बट गरीना ने यही बंडल मेरे को भी पकड़ा दिया एंड यहाँ पे मैं आप सभी को इक्विप करके दिखाता हूँ कि कैसा बंडल दिखता है। एंड आप लोगों को कौन सा बंडल निकला था इस वाले इवेंट से, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस मैं इवेंट का तो वीडियो बनाता नहीं बट बनाना पड़ा क्योंकि मैं गाइस बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहने वाला हूं, क्योंकि मेरे घर पे शादी है, ठीक है, मतलब दीदी का शादी है, तो मैं काम उधर करूंगा, उधर देखूंगा। सो गाइस वीडियो बनाने का टाइम तो मिलेगा नहीं मेरे को, फिर भी मैं ट्राई करूंगा वीडियोस बनाने का रेगुलर। एंड हां मतलब गेस्ट वेस्ट आ रहे घर पे तो समझ सकते हो आप लोग गाइस की मतलब कि जब कोई घर में मतलब कि आ जाए गेस्ट तो कैसा फील होता है एंड टाइम नहीं मिलेगा और शर्म भी आता है यार वीडियो बनाने में ऐसे, क्योंकि वीडियो बनाने में तो चिल्लाना पड़ता है। एंड हाँ गाइस मैं ट्राई करूंगा आप सभी को कौन से गिल्ड में जाना है पहले आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। किस मतलब कि यूट्यूबर के गिल्ड में आप लोग जाना चाहते हो ये कमेंट कर देना एंड जिसको भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना है अपना UID लाइक लेवल कमेंट कर देना, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट दिखा है। और उसके बाद गिल्ड टेस्ट वगैरह जिसको भी देना है, मतलब कि मैंने पिछले वीडियोस बनाए थे मतलब कि MG गेमर्स का एंड राज गेमर का, तो जिसने भी नहीं देखा जाके देख लेना, वीडियो का एंड में मिल जाएगा या फिर उन दोनों वीडियोस का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस तो एंड में यही बोलूंगा कि आपको जिस भी यूट्यूबर मतलब जिस भी वीवेज वाले यूट्यूबर के गिल्ड में जाना है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना, मैं उस यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करूंगा एंड उसके गिल्ड का वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आप सभी को बता दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग को करना है तो। एंड हाँ आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा
तो जाकर देख लेना। एंड चैनल पे पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। एंड इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक वाइज पूरा ठोक दो, तोड़ दो, जो भी करना है कर दो यार। एंड गाइस आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं ये वीडियो अभी 8 अप्रैल को रात को 12 बजे बना रहा हूँ, समझ रहे हो? तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है मेरा और कैसे क्या करना पड़ रहा है मेरे को। तो देखता हूँ कि गाइस मैं इस वीडियो को कब तक अपलोड कर पाता हूँ। एंड हाँ मेरे भाई यार इंस्टा पे भी आ जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बात बात करना है तो जल्दी आओ। डिस्कॉर्ड पे भी आ सकते हो, उधर भी बात कर सकते हैं हम लोग। एंड और लास्ट में तो ये बोलूंगा कि मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का मजदूरी यहीं पे खत्म करता हूँ, पीस। I'm not afraid of the dark.